इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के इन वीडियोस के माध्यम से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हों या शॉर्ट क्वेश्चंस हों। अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करते हो, नोट्स बनाते हो, तो आईपीआर के एग्ज़ाम में आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, राइट। और आईपीआर के ऊपर एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा, राइट। तो इन वीडियोस में अपने प्रीवियस क्लास में हमने पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझा। आज के इस वीडियो में हम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में पेटेंट होल्डर के पास क्या क्या रिलीफ्स, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, व्हाट आर द रेमेडीज विच आर अवेलेबल फॉर पेटेंटी, फॉर पेटेंट होल्डर इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे, राइट। चलिए, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? अगर आप वीडियो में नए हो तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, जब कोई थर्ड पर्सन पेटेंटी के या पेटेंट होल्डर के राइट्स को वॉयलेट करता है, उसके इन्वेंशन को लेकर के, उसके प्रोडक्ट को लेकर के, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। तो वॉयलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर बाय एनी पर्सन टर्म्ड एज पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, राइट। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज विच आर अवेलेबल? सबसे पहला है इंजंक्शन, इंजंक्शन। रेमेडीज अवेलेबल, रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, सबसे पहला है इंजंक्शन, दूसरा है डैमेजेस, तीसरा सीजर ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, सीजर और फॉरफीचर ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, और पांचवा डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स। तो दीज आर सम रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू पेटेंट होल्डर, इंजंक्शन, डैमेजेस, सीजर और फॉरफीचर ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स। आइए एक एक करके इन रेमेडीज को हम समझते हैं। इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन बेसिकली ऑफिशियल ऑर्डर होता है कोर्ट के तरफ से टू डू और नॉट टू डू समथिंग, राइट। तो इंजंक्शन बेसिकली एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है कोर्ट के तरफ से जब पेटेंट होल्डर अपने इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में शूट फाइल करता है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर के। तो कोर्ट एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू करता है कि जो इन्फ्रिंजर है उसे कुछ समय के लिए स्टे कर दिया जाए, उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए कि वो चीज़ ना करे। तो इट इज़ बेसिकली एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट रिस्ट्रिक्टिंग द पर्सन हु इज़ इन्फ्रिंजिंग और हु इज़ वॉयलेटिंग द राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर, राइट। An injunction is order of court requiring a person to do or ceases doing a specific action. तो कुछ समय के लिए जो infringer है उसे court
रोक देगी कि आप ये काम ना करो, बिकॉज इट इज वॉयलेटिंग द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर। ये कहलाता है इंजंक्शन। और इंजंक्शन थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, परमानेंट इंजंक्शन, टेम्पोरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, प्रीलिमिनरी इंजंक्शन, राइट। तो ये है इंजंक्शन। दूसरा क्या है, डैमेजेस। द पर्पस ऑफ एन अवार्ड ऑफ डैमेज इज टू कंपनसेट द प्लेंटिफ फॉर लॉस और इंजरी कॉज्ड टू हिम बाय डिफेंडेंट बाय इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। अब देखो, क्योंकि पेटेंट होल्डर ने उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का पेटेंट करा रखा था, तो जितने भी एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो केवल और केवल उसके थे। अब आपने उसके इन्वेंशन का कॉपी किया या सेल किया, मैन्युफैक्चर किया किसी कमर्शियल पर्पस के लिए बिना उसके कंसेंट के, तो इससे उसको नुकसान हुआ, राइट। तो ही इज लाइबल टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम यू, और आप लाइबल हो उसे डैमेजेस पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा ना करते तो जो भी अनड्यू एडवांटेज आप उसके प्रोडक्ट को सेल करके, उसके प्रोडक्ट को कॉपी करके जो भी अनड्यू एडवांटेजेस आप ले रहे हो, ओरिजिनली वो प्रोडक्ट उसे बिलोंग करता है, तो ही इज लाइबल टू क्लेम फॉर द डैमेजेस, राइट। तीसरा क्या है, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। देखो, वॉइल इन्फ्रिंजिंग द इन्वेंशन ऑफ पेटेंटी, प्रॉफिट्स अर्नड बाई इन्फ्रिंजर हैज टू बी लुक्ड इनटू अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स इज टू बी डिटरमाइंड एज सच। प्लेंटिफ कैनॉट क्लेम रिलीफ ऑफ बोथ डैमेजेस एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स साइमल्टेनियसली, ही हैज टू ऑप्ट फॉर वन। अब देखो, आपने पेटेंटी के राइट्स को इन्फ्रिंज किया और आपने प्रॉफिट्स कमाया, राइट। अब ओरिजिनली वो जो प्रॉफिट्स हैं वो उसे बिलोंग करते हैं, बिकॉज आपने उसके प्रोडक्ट को कॉपी किया, सेल किया, मैन्युफैक्चर किया, तो पेटेंट होल्डर के पास राइट है कि जो भी प्रॉफिट्स आपने कमाया है वो आप उसे दे दो। अब पेटेंट होल्डर एक साथ अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स और डैमेजेस को एक साथ क्लेम नहीं कर सकता है, उसे कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा, उसे किसी एक रिलीफ को लेना होगा, फिर चाहे वो डैमेजेस के लिए क्लेम करे या अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट के लिए क्लेम करे, राइट। फिर क्या है, सीजर और फॉरफीचर ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ऐसे गुड्स जो इन्फ्रिंजिंग गुड्स हैं, एग्जांपल के लिए सपोज करो दिस वाज द ओरिजिनल इन्वेंशन ऑफ पेटेंट होल्डर मिस्टर ए, ये जो था ओरिजिनल इन्वेंशन था मिस्टर ए का, इसका कॉपी मिस्टर बी ने किया, राइट। मिस्टर बी कॉपीड दिस इन्वेंशन और इन्होंने ये सिमिलर प्रोडक्ट तैयार कर लिया, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, विच इज द कॉपी ऑफ ओरिजिनल वन, इसे सीज कर लिया जाए, इसे फॉरफीट कर लिया जाए बिना इन्फ्रिंजर को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किए हुए या बिना मिस्टर ए जो कि ओरिजिनल पेटेंटी हैं उन्हें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किए हुए इस पर्टिकुलर गुड्स को सीज कर लिया जाए, फॉरफिट कर लिया जाए, तो ये भी एक रिलीफ है। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, जो इन्फ्रिंजिंग गुड्स है, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दीज आर द रिलीफ्स विच आर अवेलेबल टू पेटेंट होल्डर, ठीक है। कौन कौन से रिलीफ्स हैं, इंजंक्शन है, डैमेजेस हैं, सीजर और फॉरफीचर ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स,
अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स. राइट, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिलीफ. अब पेटेंट होल्डर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में इन रिलीफ्स को क्लेम कर सकता है, लेकिन इन रिलीफ्स के भी सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, इन रिलीफ्स के भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं. पहला, इन केस इन्फ्रिंजमेंट बीइंग इनोसेंट, जो इन्फ्रिंजमेंट था, जिस पर्सन ने गुड्स को इन्फ्रिंज किया, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ही इज मेकिंग इज ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट. क्या है? पेटेंटेड प्रोडक्ट है, तो ही वॉज इनोसेंट. इस केस में पेटेंटी को कोई डैमेजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे, यानी ओरिजिनल इन्वेंटर को कोई डैमेजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे. क्यों? क्योंकि जिस सेकेंड पर्सन ने उसके प्रोडक्ट को कॉपी किया, वो ये बात नहीं जानता था कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट है. इस केस में केवल इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा पेटेंटी के फेवर में. राइट, दूसरा क्या है? इफ द पेटेंटी इज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस एंड देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सच डिफॉल्ट, ग्रांट ऑफ डैमेजेस एट सच फॉर पीरियड बिकम्स डिस्क्रिशनरी. अब देखो, पेटेंट होल्डर ने, यानी ओरिजिनल क्रिएटर ने, ओरिजिनल इन्वेंटर ने रिन्यूअल फीस पे नहीं किया था अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट को लेकर के. अच्छा, उसी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के दौरान उसका गुड्स इन्फ्रिंज किया जाता है या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट हो जाता है, यानी उसके राइट्स को कोई वॉयलेट कर लेता है, उसके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेता है, सेल करता है, मैन्युफैक्चर करता है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये सभी राइट्स केवल और केवल उसे बिलोंग करते थे. लेकिन क्योंकि उसने रिन्यूअल फीस पे नहीं किया था और उस दौरान इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट हुआ, तो पेटेंट होल्डर को, पेटेंटी को, अब क्योंकि आपने रिन्यूअल फीस पे नहीं किया है तो जो डैमेजेस होंगे वो टोटल डिपेंड करेंगे कोर्ट पर. इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट यू डैमेजेस और नॉट. तीसरा क्या है? इफ कोर्ट हेल्ड सम ऑफ क्लेम्स ऑफ पेटेंटी, अगर कोर्ट पेटेंटी के कुछ क्लेम्स को इनवैलिड मानता है या उसे लगता है कि पेटेंटी के कुछ क्लेम्स इनवैलिड हैं, तो जितने क्लेम्स वैलिड हैं केवल उतने तक का डैमेजेस दिया जाएगा किसे? पेटेंटी को. तो ये था लिमिटेशंस टू द रेमेडीज विच आर अवेलेबल अगेंस्ट पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट. राइट, अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हो, हमने ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को कंप्लीट किया है दो वीडियोस में. राइट, और ये जो नोट्स हैं कुल 40 पेजेस के, अगर आप इन्हें पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ ऑलरेडी ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में पड़े हुए हैं. तो अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.